वेलकम बैक केमिस्ट्री नंबर वन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा का सी सेट लेके आए हैं, जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है, जो कि आज हमने एग्ज़ाम दिए हैं 2024 का। एक क्वेश्चन पेपर है, हायर सेकेंडरी परीक्षा सी सेट है। तो देखते हैं, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है और 80 मार्क्स का होता है। कुल प्रश्नों की संख्या है 14। तो देख लेते हैं, सामान्य निर्देश देख लेते हैं क्या क्या निर्देश दिए हैं इसमें। तो पहला है, प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को 3 खंडों क ख ग विभक्त किया गया है। खंड क में 2 प्रश्न जिसमें 16 अंक निर्धारित है, और खंड ख में 5 प्रश्न हैं जिसके 4 प्रश्नों में विकल्प दिए गए हैं। इस खंड में कुल 20 अंक के निर्धारित हैं। खंड ग में आरोह भाग में 32 अंक निर्धारित है। खंड ग में वितान भाग में 12 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक करके देखते हैं। खंड अ में देख लेते हैं, अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखना है। यूं तो कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण से लेके यहाँ तक देख लेते हैं, पीछे आप ये पढ़ते जाइए और क्वेश्चन हम दिखाएंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ये लिख लीजिए, मूल तत्व मानवीय मूल्य को विश्व सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यहाँ तक का ये गद्यांश है। और इसमें क्वेश्चन दिए 2-2 नंबर के, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार कला क्या है? वसुदेव कुटुंबकम की भावना क्या है? लेखक के अनुसार संस्कृति का मूल तत्व क्या है? मनोरंजन का संधि विच्छेद एवं महत्वपूर्ण का समास विग्रह कीजिए। अधिरुचि शब्द से उपसर्ग क्या है? मानसिकता शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। जीवन का सौंदर्य किसे कहा गया है? प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है खंड का। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, अपठित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है से लेकर हे मातृभूमि या अंत में तुझमें ही मिल जाए, ठीक मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपर्युक्त काव्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। सूर्य का क्या महत्व बताया गया है? सूरज सार से कवि का क्या आशय है? प्रत्युपकार का संधि विच्छेद कीजिए। खंड ग देख लेते हैं, ख निम्नलिखित किसी एक शीर्षक पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं, पहले में अनेकता में एकता भारत की विशेषता। दूसरा है, चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में लिख देना है। वन एक जैव विविधता संरक्षण है। वायु प्रदूषण कारण निदान लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन एवं प्रयोग के को रोक लगाने के लिए पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखना है। और देख लेते हैं, परीक्षा अवधि में डीजे का प्रयोग बंद कराने हेतु अपने जिले के कलेक्टर को नागरिक की ओर से आवेदन लिखना है। प्रश्न 5 देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। जनसंचार के कोई 2 कार्य लिखिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? थर्ड क्वेश्चन है, इंट्रो क्या है लिखिए। विशेष लेखन की 2 प्रकार बताइए। प्रश्न 6वां है, नाटक में संलयन त्रय का क्या महत्व है? अथवा में है, कविता की रचना में शब्द चयन क्या महत्व रखता है, इसको लिखना है। प्रश्न 7वां है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली क्या है समझाना है। नशे से नाश की ओर पर आलेख लिखिए। खंड ग देख लेते हैं, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तीर्थी है समीर सागर पर से लेकर है ताक रहे विफल के बादल से लेकर है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें 2-2 नंबर के दिए गए हैं। प्रस्तुत काव्यांश की कवि का नाम एवं कविता का शीर्षक बताना है। संसार का हृदय कैसे हो गया, इसको बताना है। विप्लव के बादल का क्या अर्थ है? निम्नलिखित क्वेश्चन देख लेते हैं, 9। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कितने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जग जीवन का भार लिया फिरता हूँ से लेके है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखना है। 2 नंबर का काव्यांश और भाव लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश के रूपक अनुसार अनुप्रास अलंकार छांटकर लिखना है, जो कि इसमें दिया गया है काव्यांश में, उसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक को छांटकर लिखना है।
प्रश्न दसवां देख लेते हैं, रस का अक्षय पात्र से कवि के रचनात्मक कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया गया है। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे समझाना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है कालिदास संदर्भ से लेकर है, यहाँ वह इशारा है। प्रश्न देख लें, पहला, कविवर रविंद्रनाथ ने राज उद्यान के बारे में क्या कहा। कालिदास सुंदरता का अवलोकन किस प्रकार करते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का शीर्षक लिखना है। प्रश्न 12 देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धाक धीना तिरकर तीना धन्य आत्मा शब्द का लुटन के लिए क्या अर्थ होता है। आदर्श समाज स्थापना में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार की सार्थकता पर अपने विचार लिखिए। पैसों से कितनी शक्ति है, बाजार दर्शन पाठ से आधार पर लिखिए। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। सिसिक से फूल पाठ के आधार पर लिखिए। खंड गा देख लेते हैं, वितान से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफलता होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों लिखिए। श्री सौदल गेगर अध्यापक की किन विशेषताओं ने आनंदा के मन में कविताओं की रुचि डाल दी है, लिखिए, जगाई है लाख। 14 प्रश्न देखते हैं, क में, यह 60 साल लोगों की तरह से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो कि संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इलिया एहरनबर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के आधार पर अपने विचार दीजिए। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और सांस्कृतिक के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय के भी दस्तावेज होते हैं, स्पष्ट करना है। खंड खा में देख लेते हैं, अथवा में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों की जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है, शोध उदाहरण स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेंडिंग पाठ के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर विचार कीजिए जो यशोधर बाबू के किशनदा से उत्तराधिकारी से मिलते हैं। ये है आज का क्वेश्चन पेपर जो कि हमने एग्ज़ाम दिए और तुरंत आपके लिए 2024 का क्वेश्चन पेपर हिंदी का सब्जेक्ट है अपलोड कर दिए हैं। इसी तरह हम आपके लिए और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। सो थैंक यू सो मच।